हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रन टिल डेथ। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडिया का डे फिफ्थ का रिजल्ट जानेंगे इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि अगस्त 2 का है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं सबसे पहले लॉन बॉल्स के बारे में, जिसमें इंडिया ने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स टीम ने। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर बता दें कि वुमेन्स टीम ने 17-10 से साउथ अफ्रीका को हराया और गोल्ड मेडल लेके गए वुमेन्स टीम इवेंट में। देन फ्रेंड्स, यही इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था वुमेन्स पेयर सेक्शन बी राउंड वन का लॉन बॉल्स मैच, उसके अंदर इंडिया 9-18 से हार गई। देन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था वुमेन्स ट्रिपल्स मैच, उसके अंदर सेक्शन सी राउंड वन का मैच था, इंडिया 15-11 से जीत गई वाला मैच। देन वेट लिफ्टिंग की बात करें तो उसके अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे 76 kg वुमेन्स में पूनम यादव, जो कि लास्ट फिनिश की इन द 76 kg वेट कैटेगरी। देन एथलेटिक की बात करें तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि मुरली श्रीशंकर एंड मोहम्मद अनीस यहिया, इन्होंने लॉन्ग जंप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आप उनको देख पाएंगे लॉन्ग जंप के फाइनल्स में, शायद मुरली श्रीशंकर गोल्ड लेके जाए, इनका बहुत बड़ा दावा है। देन एथलेटिक की बात करें तो वुमेन शॉर्ट पुट, ये क्वालिफाइंग ग्रुप था बी में, उसमें मनप्रीत कौर ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, वो एक तगड़े मेडल दावेदार माना जा रहे हैं। देन यहीं पे स्विमिंग की बात करें तो श्रीहरि नटराज, जो कि 200 मीटर बैक स्ट्रोक में थे, हीट टू में थे, उन्होंने थर्ड फिनिश किया इन द हीट, अभी आप उसको फाइनल में जरूर देख पाएंगे। देन वापस स्विमिंग की बात करें तो अद्वैत पेज 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में क्वालिफाई कर लिए फाइनल्स के लिए। देन फ्रेंड्स, हम लॉन बॉल्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको सबसे शुरू में बताया कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था वुमेन्स 4, उसमें इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया और गोल्ड मेडल लेके गए। फिर बाद में मेन सिंगल सेक्शन डी राउंड वन का मैच था लॉन बॉल्स का, उसके अंदर मिडुल बोर्गेन वर्सेस सैनोन मैक्रेल, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है, और इंडिया के मिडुल वो 8-21 से वाला मैच हार गए। देन स्विमिंग की अगेन बात करें तो मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल अद्वैत पेज फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिए। देन एथलेटिक की बात करें तो यहाँ पे दूति चंद ने बहुत ही निराश किया हमको, बिकॉज वो सेमीफाइनल्स के लिए फ्रेंड्स, अगेन स्विमिंग की बात कर ले तो अद्वैत पेज ने जैसा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया, वैसे ही कुशाग्र रावत, उन्होंने भी हीट टू में फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया इन द मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट। देन एथलेटिक की बात करें तो उसके अंदर इंडिया को बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिला, बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेडलिस्ट है दूती चंद, वो फेल हो गई, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई वो अपनी हीट में। देन फ्रेंड्स, स्विमिंग की बात करें तो अद्वैत पेज ने जैसे 1500 मीटर के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, वैसे ही कुशाग्र रावत भी 1500 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिए है। देन फ्रेंड्स, अभी हम एथलेटिक की बात करें तो उसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज लगा है, बिकॉज जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट है दूती चंद, वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई और हीट में ही बाहर हो गई। देन फ्रेंड्स, टेबल टेनिस की बात करें तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे न्यूज आया कि इंडिया ने अपना जो टाइटल है वो रिटेन किया है। लास्ट टाइम उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट, और इस साल भी उन्होंने बर्मिंगम में गोल्ड मेडल जीता है, और उनका फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस सिंगापुर, और इस मैच को जीत के हिस्ट्री वापस क्रिएट किया। देन वेट लिफ्टिंग की बात करें तो मेंस के 96 वेट कैटेगरी में विकास ठाकुर सिल्वर मेडल जीते हैं। देन फ्रेंड्स, हॉकी की बात करें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच था पूल ए का मैच था, और इंडिया वाला मैच 1-3 से हार गई इन द वुमेन्स। एंड स्क्वाश की बात करें तो सुनैना सारा वर्सेस फैजा जफर, जो कि फैजा जफर पाकिस्तानी स्क्वाश एथलीट है, वो वुमेन सिंगल्स का मैच था, तो उसके अंदर इंडिया से रिप्रेजेंट कर रही थी सुनैना, जो कि 3-0 से जीत ली है वो वुमेन सिंगल्स का सेमीफाइनल। अब आज वो मतलब गोल्ड मेडल मैच खेलेगी, तो उसका रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल बताऊंगा। देन फ्रेंड्स, अगेन लॉन बॉल्स की बात करें तो इंडिया वर्सेस फिजी इन द मेंस 4 सेक्शन की राउंड वन का मैच था, उसके अंदर इंडिया 14-11 से जीत गई। देन लॉन बॉल्स में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड था वुमेन्स ट्रिपल्स
सेक्शन सी राउंड टू, उसके अंदर इंडिया 11-24 से हार गई। देन स्क्वॉश की अगेन बात कर ले तो सौरभ घोषाल वर्सेस पॉल कोल न्यूजीलैंड के एथलीट है, वो मेन सिंगल्स का सेमीफाइनल मैच था, उसमें सौरभ लॉस्ट 0-3 और ये हार गए वाला मैच, और आज वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेंगे। तो आज का दिन इंडिया के लिए बहुत ही मेडल वाला मैच है, तो इसका रिजल्ट कल आप जरूर देखिएगा इस रन टिल डेथ चैनल पे। देन फ्रेंड्स बैडमिंटन की बात करें तो इंडिया वर्सेस मलेशिया मिक्स टीम गोल्ड मेडल मैच था, बट फ्रेंड्स वो वाला मैच इंडिया हार गई और इंडिया को सिल्वर से सेटल करना पड़ा, इंडिया लॉस्ट बाय 1-3। देन फ्रेंड वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वुमेन्स 87 केजी वेट कैटेगरी में उषा बनूर 6 प्लेस पे फिनिश की। देन फ्रेंड बॉक्सिंग की बात करें तो रोहित टोकास वर्सेस अल्फ्रेड कोटे घाना के बॉक्सर है, 63.5-67 वेल्टर वेट कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 में रोहित टोकास 5-0 से जीतकर क्वार्टर फाइनल्स में एंटर हो गए। अभी फ्रेंड हम एंड फ्रेंड्स अब लास्ट में हम एथलेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके अंदर सीमा पुनिया एंड नवजीत कौर ढिल्लों जो कि इंडिया से फाइनल के लिए खेल रहे थे और उन्होंने सीमा पुनिया 5th प्लेस पे फिनिश की, देन नवजीत कौर ढिल्लों 8th प्लेस पे फिनिश की। ये इंडिया के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा, बिकॉज सीमा पुनिया कितने बार मेडलिस्ट है, आई थिंक 2014-2018 इससे पहले भी उन्होंने मेडल मारा है इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, बट फ्रेंड्स वो इस बार मेडल नहीं मार पाए और वो सीमा पुनिया 5th प्लेस पे फिनिश की, देन नवजीत कौर ढिल्लों 8th प्लेस पे। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स। इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन देन सिंपली पुट अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर अपडेट्स ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। टिल देन बिडिंग यू बाय, कीप वॉचिंग रन टिल डेथ एज always.